अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं टू जी। मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब मेरी बहन खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला से दुआ करती हूं कि आप सबको हंसता मुस्कुराता खुशबाश अपनी फैमिलियों के साथ रखे, आमीन सुमा आमीन। और मेहंदी की आज न्यू डिज़ाइन के साथ, क्योंकि आज है भाई शब बारात, तो मैं उसी हिसाब से आज मेहंदी की डिज़ाइन भी लाई हूँ। तो आपने स्टार्ट में देखा होगा कि मैंने मून बनाने के लिए एक जार का कैप इस्तेमाल किया है, इससे मून बहुत इजीली बन जाता है। आप बना लें, और जार तो हर किसी के घर में होता ही होता है, तो आप जार का कैप लें और इजीली मून बना लें। मून को फिर मैंने एक जो है लाइन के ज़रिए जोड़ा है, लाइन को हमने रोप की तरह इस्तेमाल किया है और बहुत ही खूबसूरत लाइन है। इसमें मैंने छोटे छोटे हार्ट्स और छोटे छोटे से डॉट्स बना दिए हैं, और मून के सेंटर में मैंने एक फ्लावर बनाया है जो कि बिल्कुल इजी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। और जो फिंगर आपने रोप के लिए इस्तेमाल करनी है, वो भी मैंने अपने हैंड के पैटर्न के हिसाब से आपको बता दिया है। इस तरह के हैंड्स के पैटर्न में इसीलिए लाती हूँ ताकि आपको इजी से मेहंदी समझ में आए कि किस फिंगर को यूज़ करना है, कि रोप के लिए या फिर किसी और डिज़ाइन के लिए भी। इस तरह से मैं इसीलिए इनके पैटर्न्स भी हैंड्स के इसी तरह से लाती हूँ, ऐसे शेप्स लाती हूँ। तो देखें जैसे जैसे मेहंदी की डिज़ाइन बनती जा रही है, इतनी खूबसूरत लग रही है। और अब हमने जो है कि इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में आपको विशिंग देना शुरू की है भाई, शबे बारात मुबारक, और दुआ में याद, और इस्पेशली दुआओं में याद रखिएगा मेहंदी ए टू जी चैनल को, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और अच्छे अच्छे आइडियाज़ लीजिएगा, क्योंकि आप मेरे चैनल पे जाके देखें, हर रोज़ मैं आपको नए आइडियाज़ देती हूँ और बहुत ही खूबसूरत मेहंदी की डिज़ाइन। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, आपके साथ मैं भी सीख रही हूँ, आप मेरे साथ सीखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हम साथ साथ मेहंदी लगाना सीखेंगे। देखें ये मैंने मून को डबल शेड में बनाया है, मून के अंदर मैंने वही मेहंदी का एक लिक्विड सा बना के मैं इसमें ये लिक्विड को फिल कर रही हूँ। जो नेगेटिव स्पेस है इसका, वो मैं इस मून का मैंने फिल किया। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।